बसमिरा रही अल्कम स्टूडेंट्स वेलकम टू हेरिटेज ग्रुप ऑफ़ कॉलेज़ स्टूडेंट आज हम इंटरमीडिएट पार्ट वन फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स की पेपर स्कीम स्टडी करेंगे पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम देखेंगे बेटा पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न को पढ़ने का उसको समझने का ये फ़ायदा है कि आप पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो आपने किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है वो आपको समझ आ जाता है बेटा दो तरह के वर्क होती हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बहुत से स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं हम सारी सारी रात पढ़ते हैं लेकिन हमें फिर भी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता तो बेटा उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग हार्ड वर्क तो करते हो लेकिन स्मार्ट वर्क से काम नहीं लेते तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि हमें किस तरह स्मार्ट वर्क करना है किस तरह पेपर की स्टडी स्कीम को समझना है और उस लिहाज से हमें पेपर की तैयारी करनी है तो बेटा सबसे पहले क्या है वर्क हार्डर इज़ गुड बट वर्क स्मार्टर इज़ बेटर तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पेपर में टोटल मार्क्स कितने होते हैं बेटा आपके पेपर में टोटल मार्क्स 85 होते हैं 85 मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो हम देखते हैं बेटा सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव मार्क जिसके अंदर आपके पास 17 एम आते हैं हर एम के बेटा फोर पॉसिबल आंसर होते हैं जिसके लिए आपने बबल शीट पर बबल फिल करना होता है करेक्ट आंसर के लिए सेकेंड बेटा सेक्शन होता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट भी कहते हैं थर्टी थ्री शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें से आपने ट्वेंटी टू को अटैम्प्ट करना होता है उसके फोटी फोर मार्क्स होते हैं थर्ड सेक्शन आपके पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन का बेटा थ्री लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपने अटैम्प्ट करने फाइव टोटल आते हैं जिसमें से थ्री अटैम्प्ट करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन की बेटा एट टोटल मार्क्स होते हैं अब हर लॉन्ग क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है थ्योरी का बेटा क्वेश्चन पाँच मार्क्स का होता है तो टोटल तीन मार्क्स तीन क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं इसको फिफ्टीन मार्क्स बेटा हर क्वेश्चन का जो बी पार्ट होता है वो आपके पास होता है न्यूमेरिकल का और न्यूमेरिकल बेटा तीन नंबर का आता है तो टोटल उसके नाइन मार्क्स तो हम कहते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट होते हैं एक थेरी का पार्ट और न्यूमेरिकल का पार्ट अब बेटा देखते हैं कि पेपर में इन मार्क्स मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और आपको कितनी चॉइस मिलती है पेपर के अंदर तो हाउ डज अ पेपर लुक लाइक ए पेपर आपको किस तरह से नज़र आता है तो सबसे पहले बेटा आपका होता है क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एम होते हैं सेवनटीन मार्क्स के इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती आपको सेवनटीन एम सारे के सारे सॉल्व करने होते हैं अब बेटा सब्जेक्टिव पार्ट को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है फर्स्ट सेक्शन के अंदर 44 मार्क्स के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्वेश्चन नंबर टू में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको ट्वेल्व आते हैं जिसमें से आपने एट अटेम्प्ट करने होते हैं इसके टोटल सिक्सटीन मार्क्स हैं यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन की चॉइस होती है आप उसमें से कोई भी चार क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं नेक्स्ट बेटा सेक्शन नंबर वन का सेकंड पार्ट जो सर क्वेश्चन नंबर थ्री के नाम से आता है शॉर्ट क्वेश्चन उसमें भी ट्वेल्व ही होते हैं बेटा आपने एट अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल सिक्सटीन मार्क्स के सेक्शन नंबर वन का जो थर्ड बेटा क्वेश्चन है जिसको क्वेश्चन नंबर फोर का हमने नाम दिया शॉर्ट क्वेश्चन बेटा उसमें नाइन आते हैं उनमें से आपने सिक्स को अटैम्प्ट करना होता है तो टोटल उसके ट्वेल्व मार्क्स होते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन नंबर टू पे बेटा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन नंबर टू जो होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ट्वेंटी फोर मार्क्स इसके टोटल होते हैं अब इसमें बेटा फाइव क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको तीन अटैम्प्ट करने होते हैं तो दो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होती है इनको बेटा नाम किस तरह से देते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन के लेबल से क्वेश्चन आते हैं अब बेटा हर क्वेश्चन के अंदर दो दो पार्ट होते हैं ए पार्ट थेरी का होता है और बी न्यूमेरिकल का होता है तो बेटा इनको आपने तीन अटैम्प्ट करने आपकी मर्जी है इनमें से आप कोई भी तीन अटैम्प्ट कर सकते हैं अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं आपके 2020 थाउजेंड की पेपर स्कीम जो आई थी उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से आपने उस स्कीम को लेकर चलना है पेपर में किस तरह आपके चैप्टर्स की पेयरिंग हुई हुई शॉर्ट क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन की और एम सी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उस तरह आपको बेटा समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह स्मार्टर वे में तैयारी करनी है पेपर की डिवीजन ऑफ एम देखते हैं तो बेटा आपके पास हर चैप्टर में से आपको एक या दो एम आते हैं तो बेटा यहाँ पूरे अलेवन चैप्टर की लिस्ट दे दी गई है फर्स्ट चैप्टर में से आपको दो एम आने हैं बेटा सेकेंड चैप्टर वैक्टर एंड इक्यूलिबडियम उसमें से दो आने हैं थर्ड में से आपको दो आने हैं फोर्थ आपके चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी का उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है बेटा ये टू थाउजेंड थौ, ट्वेंटी की पेपर स्कीम है जिसमें आपको एम सी की इस तरह से लिस्ट दी है ये कई दफ़ा बेटा स्कीम चेंज भी हो जाती है हर साल और कई दफ़ा वही रहती है तो हम चूँकि टू की बात करें तो हम उसी की पेपर स्कीम को थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं तो बेटा अगर देखो यहाँ पर आपके सारे अलेवन चैप्टर में से कोई ना कोई एम आया हुआ है जिनमें से दो आए हैं जो एम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो है वन टू थ्री फाइव एट एंड एलेवन अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि एम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं अब बात करें हम अगर ब्राइट स्टूडेंट की तो बेटा उनको उनके लिए तो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उनको हर कोई भी एम नहीं छोड़ना अब बेटा बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट की क्योंकि हर बच्चा बेटा ब्राइट नहीं होता तो कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं बेटा कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं तो उनके लिए हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से एम की तैयारी करनी है तो बेटा अगर यहाँ पर देखें हमने हाईलाइट किए हुए हैं आपके चैप्टर्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में से बेटा टू टू एम सी क्यूज आने हैं अगेन फाइव एट और अलेवन में से दो दो एम सी क्यूज आने हैं बेटा बाकी फोर सिक्स सेवन नाइन और टेन में से एक एक एम सी क्यूज आना है तो बेटा जो एवरेज बच्चे हैं जिनसे ज़्यादा तैयारी नहीं होती तो जो मैंने चैप्टर हाईलाइट किए हैं उनको तैयार कर लें तो उनके मैक्सिमम एम सी क्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगे वो इस सेक्शन में एटलीस्ट वो पार कर सकते हैं इस सेक्शन को अब बेटा ये जो हमने स्कीम बताई है अगेन बता रही टू थाउजेंड की है हर साल चेंज होती रहती है कभी भी नहीं भी होती चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपकी 2020 की पेपर स्कीम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर्स की पेयरिंग किस तरह से की गई है तो क्वेश्चन नंबर टू बेटा सेक्शन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू के नाम से क्वेश्चन नंबर वन एम का था तो बेटा आपके चैप्टर की जो पेयरिंग है क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वन टू फोर सिक्स और सेवन चैप्टर्स हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन नंबर टू के अंदर तो बेटा अगर बारी बारी देखें तो वन के अंदर से फोर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं टू के अंदर से थ्री फोर में से टू सिक्स में से वन और सेवन में से टू अब बेटा जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है सजेशन कि वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी और थेरी के शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उनको हम अच्छे तरीके से साथ साथ रिव्यू करते जाएंगे अब बेटा जो हाईलाइट किए हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जो कहते हैं भाई हमसे पूरे पूरे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार होते तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर ले वन फोर और सेवन के तो उनका ये सेक्शन जो है वो पार हो जाएगा फोर प्लस टू सिक्स और सिक्स प्लस टू एट तो टोटल तो एट करने होते हैं तो वो इस सेक्शन को पार कर सकते हैं अब बेटा ब्राइट स्टूडेंट सारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की उसमें क्या कितनी पेयरिंग है बेटा चैप्टर नंबर थ्री फाइव और एट की पेयरिंग है और तीनों चैप्टर में से फोर फोर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ब्राइट स्टूडेंट के लिए अगेन वो सारे चैप्टर तैयार करेंगी थ्री फाइव और एट बेटा एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट एवरेज के लिए बेटा ये सजेशन है पूरे करें अब बेटा जो बिलो एवरेज है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते जो कहते हैं हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता उनको ये सजेशन है कि फाइव और एट के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के याद कर लें तो बेटा उनका ये सेक्शन जो है वो पार हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर उसमें चैप्टर्स की पेयरिंग है नाइन एट एन अलेवन तीनों में से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं अब बिलो एवरी स्टूडेंट के लिए ये है कि वो नाइन और टेन के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो वो आसानी से यहाँ पर इस सेक्शन को पार कर सकते हैं अब बेटा बात करते हैं कि क्या आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं क्या चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं होता बेटा आपके जो सिक्सटी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज में से होते हैं फिजिक्स की बुक में और बाकी जो थर्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक की थेरी के अंदर से तो बेटा थेरी के अंदर आपको बेटा आपकी फ़िज़िक्स की जो बुक है उसकी साइड पर काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉमेशन दी जाती है जिनको सेल्फ असेसमेंट का नाम भी देते हैं तो उनकी उनमें से बेटा क्वेश्चन आते हैं थर्टी फाइव परसेंट प्लस आपकी बुक की जो थेरी है उसके अंदर आप स्टूडेंट्स देखते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी की पेपर स्कीम के हवाले से हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फॉर एवरी स्टूडेंट बेटा ब्राइट स्टूडेंट है तो सारे चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने अच्छे तरीके से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का तो एटलीस्ट नहीं छोड़ना ठीक है सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव परसेंट बेटा आपकी एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अब बेटा जो बिलो एवरेज एवरेज स्टूडेंट हैं जो जिनसे सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं होते हैं उनके लिए ये सजेशन है जो चैप्टर हाईलाइट किए हैं यहाँ पर बेटा फर्स्ट फोर फाइव सेवन एट नाइन और टेन इनके शॉर्ट क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो वो आपका सेक्शन वन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का उसको आसानी पार कर सकते हैं बेटा देखते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग किस तरीके से की गई है आपके इस साल के पेपर के अंदर तो सेक्शन टू में हमने बात की थी ट्वेंटी फोर मार्क्स का टोटल बेटा ये सेक्शन होता है जिसके अंदर आपने थ्री आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन जो होते हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं अब क्वेश्चन नंबर बेटा फाइव सिक्स सेवन और एट एंड नाइन की पेयरिंग देखते हैं किन किन चैप्टर की की गई है तो बेटा फाइव में देखें तो चैप्टर नंबर टू और थ्री की पेयरिंग की गई है अब बेटा ये ज़रूरी नहीं है आपके फ़िजिक्स के अंदर कभी फिक्स नहीं होता कि चैप्टर नंबर टू से नमेरिकल आना या थ्री से बेटा इन दोनों में से किसी से भी थेरी आ सकती है किसी में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है तो आपने दोनों चैप्टर फुल तैयार करने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में पेरेंगे फोर्थ चैप्टर और एट चैप्टर की सेवन में पेरिंग है फाइव एंड सिक्स की एट में पेरिंग है सेवन एंड नाइन की इसी तरह बेटा नाइन क्वेश्चन पेरिंग है अलेवन एंड ट्वेल्व की अब बेटा आपने फाइव में से तीन अटैम्प्ट करने होते हैं तो जो ब्राइट स्टूडेंट है बेटा जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो सारे के सारे कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेटा ये सजेशन सारे के सारे चैप्टर तैयार करें अब बेटा एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं कि अगर तीन अटैम्प्ट करने हैं तो बेटा उनके छः चैप्टर तो उनके लिए तैयार करना लाजमी है वो छः चैप्टर कौन से हैं बेटे के लिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देखें बेटा तो चैप्टर नंबर टू और थ्री की थेरी है तो वो आपने चैप्टर नंबर टू और थ्री फुल तैयार करने हैं बेटा ये सब स्टूडेंट्स के लिए एवरेज के लिए भी है ये ब्राइट के लिए भी है कि वो अगर चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स अटैम्प्ट करें तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए छः चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ईजी हो जाएगा ये मार्क्स लेना क्वेश्चन नंबर सिक्स में बात करते हैं बेटा आपका चैप्टर था फोर और एट एंड क्वेश्चन नंबर सेवन में फाइव एंड सिक्स अगर ये छह चैप्टर आप थेरी के पार्ट के लिए तैयार कर लेते हैं फुल एंड फाइनल विद न्यूमेरिकल एंड विद बेटा सारे लॉन्ग क्वेश्चन तो आप अपने थेरी के पार्ट में टोटल ट्वेंटी फोर मार्क्स भी ले सकते हैं अब बेटा बात करेंगे कि हम टू थ्री फोर एट और फाइव सिक्स चैप्टर की बात क्यों कर रहे हैं हम बाकी चैप्टर क्यों छोड़ दिए हम बाकी क्वेश्चन भी तो अटैम्प्ट कर सकते हैं इनको छोड़ के अब बेटा बात यह है कि टोटल इनमें जो टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के वो सिक्सटी हैं और बेटा पिछले दस सालों में जितने टॉपिक पेपर के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो ट्वेंटी हैं सिर्फ तो आपको अगर ये चैप्टर तैयार करते हो आपको सिर्फ ट्वेंटी टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे वो कौन से टॉपिक हैं जब हम नेक्स्ट आपके लेक्चर स्टडी करेंगे तो हम साथ साथ उन टॉपिक्स को हाईलाइट करते जाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कितनी दफ़ा वो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो बेटा नुमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल इन छः चैप्टर में से एक सौ छः टोटल न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज में बेटा लेकिन जो सिलेक्टेड हुए पिछले पास पेपर में टेन ईयर्स में वो फोर्टी वन है तो आपको भी देखें एक सौ छः के बजाय फोर्टी वन नुमेरिकल तैयार करने पड़ेंगे अगेन कौन से न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम जब नुमेरिकल्स का पार्ट शुरू करेंगे तो आपको साथ साथ बताते जाएंगे तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिज़िक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है और फ़िज़िक्स से पहले हम पढ़ेंगे साइंस क्या है साइंस से हम फिज़िक्स की तरफ किस तरह से आए चलें बेटा अल्लाह हाफ़ एंड थैंक यू